पल्ला बंद करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। बिल्कुल, कहाँ तक हो गए थे हमारे क्वेश्चंस? 18 तक हो गए थे आई थिंक। 18 तक हो गए थे भाई। एटीन तक हमने क्वेश्चन किए थे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे। एंड आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यदि है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो? नो, ऑल सेट, ओके। चलिए चलते हैं आगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन नंबर 19। बीटा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशो में मिला है, तो इससे हमें डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। मार्केट प्राइस, टैक्स रेट ऑफ द कंपनी, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 लाख। द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 2 लाख एंड 15% बियॉन्ड दैट। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहले हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या बना हुआ है। हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बना हुआ है। तो हमें 10 लाख रुपीज़ का फंड रेज करना है, जिसमें 4 लाख रुपीज़ तो हम डेट से रेज कर रहे हैं और बाकी 6 लाख रुपीज़ इक्विटी से रेज करेंगे। ठीक है, और ये जो 4 लाख रुपीज़ हम डेट से रेज कर रहे हैं, इसमें भी दो अलग अलग रेट्स हैं। 2 लाख रुपीज़ तक का लोन 10% की रेट पे रेज होगा, और उसके ऊपर जो बचा हुआ अमाउंट है वो 15% की रेट पे रेज होगा। तो एक तरह से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, इन विच वी हैव इक्विटी ऑफ 6 लाख, 10% डेट 2 लाख, और रिमेनिंग 15% डेट ऑफ 2 लाख। इज इट क्लियर? ये मिला के हमारी टोटल कैपिटल बन जाएगी 10 लाख रुपीज की। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ये तो हो गई इनकी बुक वैल्यू। यहां हम इनके वेट्स लेंगे, इनकी कॉस्ट लेंगे, और फिर वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलती है। ये इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल को उसकी कॉस्ट से, इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल करने पे वेटेड कॉस्ट आता है। अब चलते हैं इंडिविजुअल सोर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डी जीरो कितना है हमारा? फोर रुपीज का अर्निंग पर शेयर है और उस पे 25% का पे आउट है, तो 1 रुपी हो गया। यस, इट इज 1 रुपी। ग्रोथ रेट 8%, करंट मार्केट प्राइस 40, दिस
दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टेन पॉइंट सेवन परसेंट। सेकेंड हमारा कॉस्ट ऑफ डेट 10% डेट के लिए। तो एज कुछ भी हमें पता है तो डायरेक्टली बस आफ्टर टैक्स कर लिया जाए। टैक्स रेट 30%, 7%, 15% डेट की कॉस्ट। टेन पॉइंट फाइव परसेंट यहां तक ओके है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और दोनों तरह के डेट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे लेके चलते हैं स्टेटमेंट में। इक्विटी की कॉस्ट 10.7, 7 एंड 10.5, यहाँ पे ये कॉस्ट रख देंगे। और अब वेट कैलकुलेट करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 10,00,006, 60%। वेट 60% हुआ ना। तो या तो वेट को या कॉस्ट को, किसी एक को आपको डेसिमल में रखना है और एक को डायरेक्ट रखना है। पॉइंट टू, पॉइंट टू, 6.42, 9.92% ये आ गई आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, सेटिस्फैक्ट्री, सिंपल। प्रोसीजरल कोई इशू हो तो बताइएगा। ओके विद एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम 21, गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय 4 डिफरेंट कंपनीज। प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 करोड़, 25 करोड़ बाय इक्विटी एंड 75 करोड़ बाय डेट। कंपनी बी 70 करोड़ डेट एंड इक्विटी विल बी इन इक्वल प्रपोर्शन। 200 करोड़, 120 करोड़ बाय इक्विटी, बाकी डेट। और फोर्थ कंपनी 30 करोड़ बाय डेट एंड बैलेंस बाय इक्विटी। तो चार अलग अलग कंपनीज, चार अलग अलग प्रोजेक्ट कॉस्ट, और उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए सबने अलग अलग प्रपोर्शन के साथ अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है। द अबव कंपनीज कैरी एन इक्विटी बीटा ऑफ, इफ द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 14%, ट्रेजरी बॉन्ड कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ 16%, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, असर्टेन द प्रपोश अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच ऑफ द अबव प्रोजेक्ट अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 30%। इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रख रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, बाद में लेंगे एक साथ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, रीड इट।
ए लिमिटेड विश टू रेज एडिशनल फंड्स ऑफ 30 लाख फॉर मीटिंग इट्स फाइनेंस नीड और इन्वेस्टमेंट प्लान. द कंपनी हैज 6 लाख इन फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग. 6 लाख तो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. 30 लाख रुपीज टोटल चाहिए. 6 लाख ऑलरेडी अवेलेबल है. 24 लाख और रेज करना है. डेट इक्विटी का प्रपोर्शन रखना है 30-70. यानी टोटल कैपिटल में डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन 30-70 होगा. मतलब 30% डेट रहेंगे और 70% इक्विटी रहेगा. कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट ऑफ 11% बिफोर टैक्स अप टू 3 लाख एंड 14% बिफोर टैक्स बियॉन्ड दैट. तो जितना भी डेट आप रेज करोगे उसमें 3 लाख रुपीज तक के लोन पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है और 3 लाख के ऊपर के जो भी लोन है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%. अर्निंग पर शेयर इज 15 रुपीज एंड डिविडेंड पे आउट इज 70% ऑफ अर्निंग. ग्रोथ रेट 10%, करंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज, टैक्स रेट 30% और शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट 20%. पोस्ट टैक्स कॉस्ट निकालनी है डेट की, कॉस्ट निकालनी है रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी की और फिर कॉस्ट निकालनी है ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये इस तरह के जो ओवरऑल क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली जो चांसेस हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस के होते हैं कि हमें कंप्लीट क्वेश्चन मिले. सबसे पहले तो आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा. टोटल 30 लाख रुपीज की जरूरत है. फंड रिक्वायर्ड 30 लाख. इस 30 लाख में डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन बनेगा. डेट इक्विटी प्रपोर्शन है 3:7. 30:70 मतलब 30% यानी 9 लाख के डेट और 21 लाख की इक्विटी. क्लियर. डेट में दो पार्ट बनेंगे. इलेवन परसेंट डेट एंड 14% डेट. कितना 11% तक मिल जाएगा आपको? 3 लाख रुपीज 11% पे मिल जाएगा और बाकी बचा हुआ 6 लाख रुपीज हमें 14% पे लेना पड़ेगा. इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग एंड कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी कितनी रिटेन अर्निंग पड़ी है? 6 लाख की रिटेन अर्निंग पड़ी है. टोटल इक्विटी 21 लाख रुपीज की होने वाली है. उसमें 6 लाख की रिटेन अर्निंग यू हैव ऑलरेडी. तो बाकी 15 लाख रुपीज हम इक्विटी से रेस करने वाले हैं, शेयर कैपिटल से रेस करने वाले हैं. तो ध्यान रखिएगा कि रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ इक्विटी. तो पहले प्रपोर्शन 30 का डिवाइड होगा. पहले 6 लाख माइनस करके प्रपोर्शन नहीं बनाना है, 30 लाख का प्रपोर्शन बनाना है और फिर उसमें बाइफ्रिकेशन डालना है. तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास डिजाइन होके आ गया इक्विटी कैपिटल 15 लाख, रिटेन अर्निंग 6 लाख, 11% डेट 3 लाख एंड 14% डेट 6 लाख. अलग अलग डेट क्यों लिख रहे हैं? हमने अलग अलग डेट इसलिए लिखा क्योंकि दोनों डेट की कॉस्ट अलग अलग है. वेटेड ओवरऑल वेटेड पूछा है. वेटेड हाँ वो करेंगे ना बेटा. ठीक है,
अब यहां पे ये कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है। यहां पे हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम डेट को डेट बना दें, उसका 11% एंड 14% को भी वेटेड करके डेट का कॉस्ट निकाल दें। तो टोटल डेट विल बिकम 9 लाख और उनकी जो कॉस्ट होगी वो एवरेज हो जाएगी। तो सिंपली हम उन्हें एवरेज कर दें, तो उसको एवरेज करके भी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। हम दोनों को अलग अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज पे जाना है, उन्होंने डेट का कॉस्ट मांगा है, तो ओवरऑल डेट कॉस्ट कितनी है, तो वो एवरेज कॉस्ट निकलेगी। इसकी जगह फिर हम इसको एवरेज कॉस्ट पे ले आएंगे, बट अभी करंटली चलते हैं आगे। पहले इंडिविजुअल इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट, ग्रोथ रेट। ईपीएस था आपका 15 और डिविडेंड पे आउट 70%, 10.5 रुपीज D0। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा 10.5, ग्रोथ रेट इज 10%, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 90 रुपीज प्लस 10। करेक्ट, इट्स 22.83%। कॉस्ट ऑफ डेट इंडिविजुअली निकालने जाओगे तो निकल ही जाएगा हमारे पास। मैं दोनों डेट को मर्ज करके दोनों डेट का वेटेड कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं। दोनों डेट का ओवरऑल डेट कॉस्ट कितना आ रहा है, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि दोनों का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय दोनों का नेट प्रोसीड। कॉस्ट ऑफ डेट, इस पे इंटरेस्ट कितना है, 3 लाख पे 11%, तो इसको ऐसे रख रहे हैं, 3 लाख पे 11% प्लस 6 लाख पे 14% डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रोसीड 9 लाख, और फिर इसको कर देते हैं आफ्टर टैक्स 7.8%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, पर्सनल टैक्स रेट ऑफ द शेयर होल्डर 20%, एटीन पॉइंट टू सिक्स परसेंट। यहाँ तक सब आ जाइए, देखिए कोई डाउट हो तो बताइए।
कैलकुलेशन गलती मत करो भाई, 9.1% आ रहा है। अब ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, सॉरी, इक्विटी 15 लाख, रिटेन अर्निंग 6 लाख, एंड अब डेट लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि तो मैंने दोनों डेट को ज्वाइंट कर दिया, कंबाइन कर दिया, डेट इज ऑफ 9 लाख। वेट, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख। वेट हो गया 0.5, 0.2 एंड 0.3। 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इज 5, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इज 0.2, एंड 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इट्स 0.3। कॉस्ट, इक्विटी 22.83, रिटेन अर्निंग 18.26 एंड डेट 9.10। वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, टोटल सेवनटीन पॉइंट एट राउंडेड ऑफ, इट्स योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेलो, चलो इजी सिंपल, कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या इंक्लूड हुआ कि सर जब कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, तो आपका जो डेट इक्विटी मिक्स है वो पहले ओवरऑल पे एप्लीकेबल होगा, और ओवरऑल पे एप्लीकेबल करने के बाद बाइफ्रिकेशंस होंगे डिफरेंट डेट, रेट ऑफ डेट के बेसिस पे और रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी के बेसिस पे। डेट डेट पे जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो बेटर है इन दोनों को मर्ज करके ओवरऑल डेट का कॉस्ट निकाल लें, क्योंकि कई बार डिमांड किया जाता है कि हमें वेटेड डेट कॉस्ट चाहिए। ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इन्होंने सिर्फ ही मांगा है पोस्ट डेट कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, लेकिन अब वहां पूरे डेट की कॉस्ट हम ओवरऑल दे सकते हैं। तो हमने डेट की ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया, दोनों डेट के इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रोसीड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में पर्सनल टैक्स रेट को कंसीडर किया है। वी कैन टेक एन अजम्पशन हियर, यहां एक अजम्पशन ली जा सकती है कि सर डिविडेंड एज पर इनकम टैक्स इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड इनकम जब शेयर होल्डर को मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो हम पर्सनल टैक्स रेट को यूज ही ना करें। बट यदि शेयर होल्डर को टैक्स नहीं लगेगा, डिविडेंड इज इन टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन दैट केस कंपनी हैज टू पे डीडीटी, सीडीडीटी। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को देना है, तो अल्टीमेटली टैक्स बर्डन तो रहेगा ही रहेगा। अब सीडीडीटी गिवन नहीं है, पर्सनल टैक्स रेट गिवन है, तो हमने पर्सनल टैक्स रेट से यूज कर लिया। इफ सीडीडीटी गिवन होगा तो हम पर्सनल टैक्स रेट की जगह सीडीडीटी लगा देंगे, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स उस रिटेन अर्निंग के पोर्शन को कम करेगा, वो उसका एक पार्ट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, चाहे वो सीडीडीटी की फॉर्म में जाए या पर्सनल टैक्स की फॉर्म में जाए। रीड इट, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ें इसे आराम से समझें, नवंबर 1919 का क्वेश्चन है, देखें इसको।
लुकिंग सिमिलर, सो गाइज इसको देख के आपको ऐसा लगा होगा कि सर छोड़ दो आगे चले, लग रहा है ऐसा? सेम एग्जैक्टली प्रीवियस वन, नहीं है नेक्स्ट। पढ़िए इसको भी, कैसा लगा ये? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एग्जैक्टली ये भी सेम है, बट इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ध्यान रखना थोड़ा। क्या नेक्स्ट? नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर क्या दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है। D0 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे D1 ऑलरेडी दिया हुआ है। हम D1 ही चाहिए होता है, यहाँ D1 गिवन है।
तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा और पर्सनल टैक्स रेट नहीं है। और पर्सनल टैक्स रेट नहीं होने का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट में कोई नया वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम रहने वाली है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग को अलग ना करके इक्विटी के नाम से लिख सकते हो दोनों को ऐड रख के भी, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है, तो उनका कंबाइंड प्रपोर्शन लिया जा सकता है। गॉट इट? ओके। हाँ, द एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेल विल रिजल्ट इन प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड एट 25 मार्केट प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस, नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस। वाह, आप लोगों के लिए लोड बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, ये भी करना है, करना है, लेकिन हाँ सेम है, मतलब छोड़ नहीं देना है, लिख के करना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन पढ़ें, बोले सर अच्छा क्वेश्चन करने के बाद मजाक क्यों किया? चार डिफरेंट कॉस्ट कैपिटल के सोर्सेस, टोटल कैपिटल 60 लाख। बोले वेट निकालना है और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट भी दी हुई है निकाल के, बस ये जो बिफोर टैक्स है इसको आफ्टर टैक्स करना है। पक्का ना? क्लियर है ना सभी को बात? मतलब लिटरली जैसे जैसे आगे चल रहे हो क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, और इवन यू कहें मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता चल रहा है अपना। वेरी गुड, बढ़िया। क्या वेट आ गया? 0.5, वट एवर जो भी वेट आ रहे हैं, कॉस्ट एज इट इज 15, 8, 11, और इसको कर देंगे आफ्टर टैक्स, फॉर दैट टैक्स रेट इज ऑलरेडी गिवन 6.3। बस कॉस्ट और वेट को मल्टीप्लाई करना है और खत्म। 26 पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। है तो ये भी सेम, बट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी का अमाउंट है 750 लाख, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया जाए, और गिवन इंफॉर्मेशन को देख के क्लियरली विजिबल है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी CAPM से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास RM है, RF है, बीटा है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने के लिए शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट है और ब्रोकरेज चार्जेस है। अपार्ट फ्रॉम दोज इंफॉर्मेशन, इसके अलावा हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी सेम। जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वही उसकी कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो जो डिविडेंड है वही कॉस्ट है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, तो कुछ करना ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट हो गया 13.5, डिबेंचर की कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करके। चलिए
इक्विटी, रिटेन अर्निंग प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, रिटेन अर्निंग 13.5 प्रेफरेंस शेयर एंड 12.5 डिबेंचर, ये सोर्स हो गए। देयर फेस वैल्यू 750, 250, 750, 250, 340, 260, टोटल 1600। कॉस्ट चाहिए, वेट चाहिए, वेट इनटू कॉस्ट चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर एफ इज 6, बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेवेंटीन पॉइंट सिक्स जीरो। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट, 1 माइनस ब्रोकरेज। सेवेंटीन पॉइंट सिक्स पर्सनल टैक्स रेट ऑफ द शेयर होल्डर 25% एंड ब्रोकरेज इज 2%। ट्वेल्व पॉइंट 94%। कॉस्ट ऑफ डेट 12.5, 1 माइनस टैक्स रेट, सिर्फ आफ्टर टैक्स करने का है हमको इसको, पर्सनल टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट ऑफ द इन कंपनी 8.30% लगाइएगा। टैक्स रेट कितना 30, क्या आया कॉस्ट 8.7%। आ जाइए ऊपर, इक्विटी का कॉस्ट आया था हमारा 7.6, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट आया था 12.94 और 13% प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं, और डिबेंचर का कॉस्ट आया आपका 8.7। नाउ फाइंड आउट द वेट्स, 750 डिवाइडेड बाय 1600 0.468, 0.156, 0.213, 0.0
0.163 multiply and then total. टोटल बता दीजिए आप मेरे को। फोर्टीन पॉइंट फाइव एट। दो डेसिमल के बिना राउंड ऑफ मत करना गाइस। 14.58 को 14.6 मत कर देना। 14.75 है तो 57 ही रखें उसको, इसको 6 ना कर दें। नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं चलता बेटा, यहाँ 750 कितना है, 750 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है, 1600 लाख है ना। आप इसको 0.6 कर रहे हो तो 0.03 का गड़बड़ कर रहे हो। चलाओ कैलकुलेटर, 1600 लाख इंटू 0.03% बोलो। थोड़ा बहुत इतना बहुत कर देगा। चलिए बोलो क्या ख्याल, बढ़िया ही है ख्याल तो, बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27। डिबेंचर गिवन है 9% डिबेंचर, रिडीमेबल एट पार, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, लाइफ 10 ईयर, करंट मार्केट प्राइस 105। इंडिविजुअल क्वेश्चन समझो, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, निकल जाएगा बिल्कुल। 11% प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल एट पार, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी और मार्केट प्राइस 106। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है, डन। इक्विटी शेयर 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 24 रुपीज। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 2 रुपीज, ग्रोथ रेट 5%। निकाल लेंगे इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ मॉडल से। अब जब तीनों का कॉस्ट आ गया तो बस फिर क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। क्या बात है, एक और हो गया। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ के बताओ, मुझे लगता है कुछ जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी। सेम क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए अभी हमें प्रैक्टिस करने के लिए। ये एग्जाम में आया हुआ सेम क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ सेम क्वेश्चन है, जनवरी 21। हाँ देखिए, पढ़िए क्वेश्चन।
क्या बात कर रहे हो, सेम है। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी के लिए इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट प्राइस 75, आरएफ, आरएम, बीटा, खत्म। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर करंट मार्केट प्राइस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला, इसका रिडम्पशन वैल्यू क्या अज्यूम होगा, फेस वैल्यू। डिबेंचर रिडम्पशन 3 ईयर, करंटली कोटेड एट 980। टर्म लोन बस आफ्टर टैक्स कर लेना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आफ्टर टैक्स कर लेना है। इक्विटी का कॉस्ट डन, प्रेफरेंस डन डन डन, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डन, लेकिन मार्केट वैल्यू वेट्स चाहिए। तो क्या मार्केट वैल्यू निकालनी है? मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो वी नो टर्म लोन की मार्केट वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती। इक्विटी उठाते हैं, इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके पास? 150, 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो 0000, 15 लाख शेयर्स, और मार्केट प्राइस इक्विटी की आपको गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो ये इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ गई। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 50000, 50,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 98.5 से, ये प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू आ गई। डिबेंचर 1,000 रुपीज का एक डिबेंचर, तो 1500, 15,000 डिबेंचर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 980 से, तो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू आ गई। अब जो वेट लेने हैं वो इन मार्केट वैल्यू की टोटल से लेने हैं, कोई डाउट? तो अगेन एक इजी सा आसान सा सवाल था हमारे पास, बस मार्केट वैल्यू का इंट्रोड्यूस किया था हमने यहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, पहले पढ़ें। कैपिटल स्ट्रक्चर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कोई डाउट नहीं। इक्विटी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 50% ऑफ द ईपीएस ऑफ 2018, ये रहा 2018 का ईपीएस, तो D1 आ गया। नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड देने वाले हैं, तो उसने बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा, वो 2018 का ईपीएस का 50%, D1 आ गया। हर साल ईपीएस ग्रो कर रही है, तो उससे हम ग्रोथ निकाल लेंगे, और ये विजिबल है, 10% दिख रहा है, 1 रुपए का, 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 10 पैसे पे 10% ऐड करोगे, फिर 10%, एग्जैक्टली 10% है, ठीक है। अदरवाइज कैसे निकालते थे, अदरवाइज कैसे निकालते थे ग्रोथ रेट? तो आप 18 तो करंट ईयर हो गया, 2.16 डिवाइडेड बाय 1, इट इज 2.16, करंट प्राइस टी एन, प्राइस एन डिवाइडेड बाय प्राइस 0, और उसकी पावर होती 1/8। देखो 2.10 को रूट करो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार रूट कर दो, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.7 एन अप्रोक्स 10% का ही ग्रोथ मिल रहा है। सो ग्रोथ ऑब्जर्वेशन 10%, ओके। चलिए आगे चलते हैं,
डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, करंट मार्केट प्राइस गिवन है, और कुछ नहीं। तो ये रिडीमेबल डिबेंचर नहीं है, इरिडीमेबल। प्रिफरेंस शेयर और डिविडेंड भी गिवन है, पहला पार्ट। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफरेंस इक्विटी, डन। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स वाज इशूड, कोई नया शेयर इशू नहीं किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना रहेगा। कोई नया शेयर इशू नहीं किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना रहेगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हो, एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, अज्यूमिंग द रिटेन अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ द 2018 इन्वेस्टमेंट की बात इस क्वेश्चन में है नहीं। इसमें एक लाइन मिसिंग है क्वेश्चन। हाउ मच न्यू एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट क्वेश्चन। चलिए अभी तो इस क्वेश्चन को आप अपना कॉस्ट और वेटेड कॉस्ट के लिए ही कंप्लीट कीजिएगा, कि कॉस्ट निकालनी है और वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, वहां तक कंप्लीट करेंगे। यहां तक इस क्वेश्चन तक कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद आगे बात करें। तो जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए वहां तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इन सारे क्वेश्चंस को पहले आप जो पेंडिंग छोड़े उन्हें लिखना है, लिख के करना है, और प्रॉपरली, शॉर्टकट मार के नहीं। समझ रहे हैं कहने का मतलब, कि कैसे फाइनली एग्जाम में प्रेजेंट होगा। पहली बार जब कर रहे हो सारा लिख के करो, रिवीजन में होगा तो हम पढ़ के चल लेंगे, क्योंकि वो राइटिंग या स्पीड जो बोलते हैं ना, वो हमारी मेंटेन तभी होगी। और वो हैबिट यदि छूट गया ना लिखने का, क्या ये तो हो गया शॉर्ट में लिख दिया, एज आई एम राइटिंग, पूरा कैलकुलेशन दिखा के इस तरह से पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस को। रीडिंग हैबिट अभी मत डालो। इंटर में है बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। केस स्टडी हो सकता है, चार क्वेश्चन पूछ ले। एक नंबर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 1 मार्क कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, चार ऑप्शन दे दिए। 1 मार्क कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे करके ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में केस स्टडी में डाल दिया जा सकता है। वहां कैलकुलेशन नहीं दिखानी पड़ेगी, रफली कर लो और टिक कर दो तो टाइम बचेगा, तो आ सकता है केस स्टडी में, बिल्कुल आ सकता है। चलिए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। जेड लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम 9 लाख, द फर्म कॉस्ट ऑफ डेट 10%, करंटली द फर्म एम्प्लॉय 30 लाख ऑफ डेट, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिवर्स वर्किंग, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 9 लाख, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, और करंटली फर्म एम्प्लॉयज 30 लाख रुपीज ऑफ डेट, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 12%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। नाइन लाख का प्रॉफिट हुआ था, 10% डेट मतलब 3 लाख रुपीज का इंटरेस्ट चला गया, तो कितना बचा? 6 लाख इक्विटी की जेब में गया।
12% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वेट इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट। अब यहां पे वेट कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचिए, देखिए दिमाग में कुछ आता है क्या। देखो रेशो में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ROI, बचपन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अज्यूम्ड एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो फॉर्मूला था ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ EBIT कितना हो गया, ओवरऑल कॉस्ट, सॉरी ROCE हो गया 12%, EBIT कितना है 9 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम नहीं है, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई यहाँ से 9 लाख डिवाइडेड बाय 12%, 75 लाख में से 30 लाख की डेट है, तो इक्विटी निकल गई आपकी 45 लाख की। और इस 45 लाख की इक्विटी को क्या दे रहे हो आप, 6 लाख रुपीज दे रहे हो 45 लाख की इक्विटी को। इस 45 लाख की इक्विटी को आप 6 लाख दे रहे हो, तो कॉस्ट कितनी बनी, 7.5। टैक्स का इंपैक्ट नहीं है, चलिए इसको इस तरह से देखते हैं, वेटेड वाले तरीके से चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू इज इक्वल टू के ओ। के ओ कितना है 12%, कॉस्ट ऑफ डेट 10% और वेट ऑफ डेट टोटल 75 लाख में 30 लाख के डेट है, तो वेट कितना हो गया 0.4, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम नहीं है और वेट ऑफ इक्विटी हो गया 0.6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 इज इक्वल टू, ये तो 4 प्लस 0.6 के ई, तो के ई हो गया 8 बाय 0.6, आई थिंक 13.33 कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, ठीक है। तो एक रिवर्स कॉस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में अब आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करिएगा प्लीज, थैंक यू।